दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलैंड के एपिसोड 215 पर। ये वीडियो सिर्फ नॉवल पर बेस्ड होगा। वीडियो शुरू होता है, हमें वहाँ नपर के मेंबर की यानी कि इन सब के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि टैंक्सम सेव से कहता है जल्दी से हमारे पास आ जाओ। जो देखते हैं सेव काफी ज्यादा डर जाते हैं, और अभी के लिए सेव टैंक्सम दोनों ही एक्टिंग कर रहे होते हैं ताकि उसको ये सेव करवा सके। स्पिरिट टेम्पर काफी ज्यादा पावरफुल है और लोग इनसे डरते हैं। जहाँ से वो सोल मास्टर को ये लगता है कि टैंक्सम के लेवल 50 या 60 होगा, जिसके साथ टैंक्सम सबके पास आता आने के बाद दोबारा से नर्वस एक्सप्रेशन देने लगता है और उसके साथ ही कहता है आपको क्या चाहिए, आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैंने अभी भी यहाँ पर एक पेडेमोनियम को देखा है जिसकी एज कम से कम 50,000 से ज्यादा है। हम लोग काफी ज्यादा लेके थे, हम लोग उनकी शिकार होने से बच गए, वरना हम लोगों का मौत यहीं पर ही हो जाता था। ये एरिया काफी ज्यादा डेंजरस है, जितना हो सके यहाँ से जाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे टैंक से बात करी होता है, उस सोल मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उस सोल मास्टर को भी एक सोल बिस्ट चाहिए होता है। उसके साथ सोल मास्टर दोबारा से कहता है मैंने तुम्हें कहा है मेरे पास आओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मुझे ज्यादा फोर्स मत करना दो। जिसके साथ टैंक से कहता है तुम लोग कौन हो, मैं इस बात को वारंटी दे रहा हूँ, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही। जिसके वजह से वो सोल मास्टर टैंक्सन के ऊपर फायर करने की रेडी हो जाता है, मगर उसे एक सोल मास्टर रोक देता है और उसे कहता है तुम वापस आ जाओ, गुस्सा मत करो, वो भी तुम्हें अच्छे के लिए कह रहा है, हमें भी इस बात का पता है। यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल सोल बिस्ट घूम रहे होते हैं और ये एरिया काफी ज्यादा डेंजरस है, अभी के लिए ये हमें भी डेंजरस है। उसके साथ ही तुमने उस डेमन स्पाइडर को कहाँ पर देखा है, वो किस डायरेक्शन में गया है, जल्दी से हमें बताओ, हम लोगों ने उसे ढूंढ लिया तो हम लोग उसे किल करेंगे। जिसके साथ टैंक्सन से कहता है आप लोग मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है आप उस डेमन स्पाइडर को इजीली किल कर सकते हो, तो मुझे ये बताओ जब के वक्त आप उस स्पाइडर को पकड़ लोगे, उसके बाद हमें सनसेट पोर्ट के बाहर जाने की मदद करोगे। हम लोग यहाँ पर फंस चुके, हम लोग लो लेवल के सोल बिस्ट को ढूंढ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने 10,000 ईयर के सोल बिस्ट की मुंह में आ चुके थे, जिसकी वजह से हम लोग उसे बचकर यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग काफी ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर है, प्लीज मुझे मदद कीजिएगा। जैसे शव ये बात सुन रही होती है, वो अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि टैंक्सन यहाँ पर काफी ज्यादा पानी एंटी कर रहा होता है। जिसके साथ सोल मास्टर टैंक्सन से दोबारा से कहता है तो ठीक है तुम हमारी मदद करो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके साथ टैंक्सन उसे कहता है हमने उस स्पाइडर को इस डायरेक्शन में जाते हुए देखा था, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर चुप गए थे, अगर हम लोग उसे फॉलो करें तो हम लोग उसे आसानी से पहुँच सकते हैं। जिसके साथ सोल मास्टर अपने सारे मेंबर को ऑर्डर करता है और उन सबसे कहता है हम लोग उस स्पाइडर को पकड़ के लिए जाने वाले हैं। ये कहते हैं उन सारे सोल मास्टर उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिसके साथ वो लोग अपने सारे सोल रिंग को रिलीज कर देते हैं। और उसके साथ टैंक्सन उसे कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं हेवन में आ गया हूँ, इतनी ज्यादा स्पिरिट रिंग आज तक मैंने इतनी ज्यादा स्पिरिट रिंग को नहीं देखी। जिसके साथ सोल मास्टर दोबारा से टैंक्सन से कहता है अगर तुम ही स्पिरिट मास्टर हो तो जल्दी से अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालो। टैंक्सन से कहता है मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं, मैं अपनी सोल रिंग को नहीं बाहर निकालना चाहती क्योंकि मेरी लेवल काफी ज्यादा कम है, अगर मैं इसे बाहर निकाल भी लिया मेरी सोल रिंग किसी काम के नहीं आएंगे। जिसके साथ वो सोल मास्टर दोबारा से कहता है मेरे साथ ऐसी बकवास बात मत करो, मैं कह रहा हूँ तो जल्दी से निकालना होगा। उसके साथ वो सोल मास्टर टैंक्सन को डराने की कोशिश करने लगता है, जिसके साथ टैंक्सन अपने सारे सोल रिंग को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ उन सबसे कहता है ठीक है मैं अपनी सोल रिंग को बाहर निकाल रहा हूँ, क्या आप मेरे इस वेपन को पकड़ लोगे, मुझे अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और उसके टैंक्सन अपनी टायरन को देने लगता है, जैसे टैंक्सन अपनी टायरन को उससे पकड़ाता है और टैंक्सन उसे अपने हाथों से उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस टायरन एक सोल मास्टर पर गिरता है जिसकी वेट काफी ज्यादा होने की वजह से उस सोल मास्टर की मौत वहीं पर ही हो जाती है। उस सोल मास्टर टैंक्सन से कहता है तुम्हारी सोल पावर लेवल 90 लग रही है, मैंने इसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके टैंक्सन उन सबको मजाक उड़ाते हुए उन सबको इजीली कल करते थे। दोस्तों आप लोग इसको पार्ट 2 को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।